Starting with the blessed name of Allah subhanahu wa ta'ala, peace and salutation upon our beloved Prophet, peace be upon him. Assalamu alaikum. I'm your English teacher, Miss Rabia here, and today I'm going to start Unit 7, Colors of Pakistan. Colors of Pakistan, Pakistan ke rang, from English Book 4, which is based on single national curriculum. Okay, let's start page 68. Getting started. We are Pakistanis and we love our country. हम पाकिस्तानी हैं और हम अपने वतन से प्यार करते हैं. Look at the given political map of Pakistan and color the part which you belong to. अब दिए गए पाकिस्तान के सियासी नक्शे को गौर से देखें और जिस हिस्से से आप ताल्लुक रखते हैं उसमें रंग भरें, यानी कि जिस सूबे से आप हैं उस सूबे में आपने कलर करना है. ओके, लेट्स टॉक, चलिए बात करते हैं या आओ बात करें. कंडक्ट अ ग्रुप डिस्कशन अबाउट अ कल्चर एस्पेक्ट्स, फूड, लैंग्वेज, ड्रेसेस, फेस्टिवल्स एक्सेट्रा ऑफ डिफरेंट एरियाज ऑफ पाकिस्तान एंड शेयर इट विद द क्लास. के एक ग्रुप बनाएं और सकाफती खसूसियात, खुराक, जुबान, लिबास, मेले वगैरह के हवाले से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों पर बहस करें और अपनी जमात से शेयर करें. सो दिस इज़ योर प्रैक्टिकल वर्क, यू हैव टू प्रैक्टिस इन द क्लासरूम. नाउ प्री रीडिंग, कलर्स ऑफ पाकिस्तान प्री रीडिंग. लुक एट द गिवन पिक्चर्स एंड टॉक अबाउट द टाइटल. दी गई तस्वीर को देखें और उनवान के मुतल्लिक बात करें. जी स्टूडेंट्स, पेज 67 पे आपको पिक्चर गिवन है, इस पिक्चर को देखें और फिर उनवान के मुतल्लिक बात करें. द चिल्ड्रन आर हैप्पी एंड प्रेजेंटिंग ग्रेटिट्यूड, दे वियर देयर ओरिजिनल ड्रेसेस. इस पिक्चर में बच्चे जो हैं वो खुश हैं और इजहार तशक्कुर कर रहे हैं, यानी शुक्र का इजहार कर रहे हैं और उन्होंने अपने इलाके के लिबास जो हैं वो पहने हुए हैं. What is the national dress of Pakistan? पाकिस्तान का कौमी लिबास क्या है? The national dress of Pakistan is शलवार कमीज. कि पाकिस्तान का कौमी लिबास शलवार कमीज है. Now, reading and translation. Pakistan is a country. पाकिस्तान एक मुल्क है. With a rich, यहाँ पे रिच का मतलब है जरखेज, कल्चरल हेरिटेज, सकाफती विरसा. पाकिस्तान इज़ अ कंट्री विद अ रिच कल्चरल हेरिटेज. पाकिस्तान एक जरखेज सकाफती विरसे वाला मुल्क है. इट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ, ये मुश्तमिल है डिफरेंट कल्चरल ग्रुप्स, मुख्तलिफ सकाफती ग्रोहों पर, लाइक पंजाबीज, सिंधीज, बलोचीज, पख्तूंस, कश्मीरीज एंड गिलगित बल्तिस्तानीज. ये सकाफती ग्रोह जैसा कि पंजाबी, सिंधी, बलोची, पठान, कश्मीरी और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों पर मुश्तमिल है. दीज कल्चरल ग्रुप्स, ये सकाफती विरसे रिफ्लेक्ट अकासी करते हैं अ रेंज ऑफ अमेजिंग ट्रेडिशंस, हैरान कुन रवायात की, ड्रेसेस, लिबास की, फूड्स, खानों की एंड लैंग्वेजेस और ज़ुबानों की. दीज कल्चरल ग्रुप्स रिफ्लेक्ट अ रेंज ऑफ अमेजिंग ट्रेडिशंस, ड्रेसेस, फूड्स एंड लैंग्वेजेस. ये सकाफती ग्रोह हैरान कुन रवायात, लिबास, खुराक और ज़ुबानों के सिलसिले की अक्कासी करते हैं. रेंज का मतलब है सिलसिला. Now move on page 69. People from different cultural groups, मुख्तलिफ सकाफती ग्रहों के लोग, speak a variety of languages, मुख्तलिफ बहुत सारी ज़ुबानें जो हैं वो बोलते हैं. Variety of languages, मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलते हैं, सबसे अलग अलग होती हैं. People from different cultural groups speak a variety of languages, मुख्तलिफ सकाफतों के लोग मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलते हैं. इन पंजाब पीपल स्पीक पंजाबी, पंजाब में लोग पंजाबी बोलते हैं. एंड सराइकी और सराइकी, सिंधी,
and Balochi are common languages of Sindh and Balochistan. Sindhi aur Balochi jo hai wo Balochistan ki aam zubani hai. In Khyber Pakhtunkhwa people speak Pashto. Khyber Pakhtunkhwa mein log Pashto bolte hain. Hindko, Khwar and Saraiki. Hindko, Khwar aur Saraiki bhi. In Khyber Pakhtunkhwa people speak Pashto, Hindko, Khwar and Saraiki. कि खैबर पख्तूनख्वा में लोग पश्तो हिंदको ख्वार और सराइकी बोलते हैं. इन गिलगित बल्तिस्तान में शिना ये लैंग्वेज का नाम है. बाल्टी एंड ब्रुशस्की ये लैंग्वेजेस हैं. ठीक है, क्या है? इन गिलगित बल्तिस्तान शिना बाल्टी एंड ब्रुशस्की आर रीजनल लैंग्वेजेस. कि गिलगित बल्तिस्तान में शिना बाल्टी और ब्रुशस्की अलाकाई ज़ुबानी हैं. कश्मीरी इज़ स्पोकन इन कश्मीर. कश्मीर में कश्मीरी ज़ुबान बोली जाती है. इन पाकिस्तान में पीपल वियर अ वाइड रेंज ऑफ क्लॉथेस. पाकिस्तान में लोग लिबास की बहुत सी अकसाम पहनते हैं. डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट एंड ट्रेडिशंस आबो हवा और रवायात के मुताबिक ऑफ द प्लेस दे बिलोंग टू जहाँ से वो ताल्लुक रखते हैं. इन पाकिस्तान पीपल वियर अ वाइड रेंज ऑफ क्लॉथेस डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट एंड ट्रेडिशंस ऑफ प्लेस दे बिलोंग टू. पाकिस्तान में लोग अपनी आबो हवा और रवायात के मुताबिक जहाँ से वो ताल्लुक रखते हैं लिबास की बहुत सी इकसाम पहनते हैं. ऑल्सो लोकल फेस्टिवल्स आर यूनिक टू ईच कल्चरल ग्रुप. हर सकाफ़ती ग्रोह के मुकामी मेले भी इनफरादी हैं मुनफरिद हैं, अलग हैं. दी कल्चर ऑफ पंजाब इज़ कंसीडर्ड वन ऑफ दी ओल्डेस्ट एंड रिचेस्ट कल्चर्स इन दी वर्ल्ड. जी, पंजाब की सकाफत दुनिया की कदीम तरीन और ज़रखेज़ तरीन सकाफतों में शुमार होती है. पंजाब हैज़ ऑलवेज बीन द लैंड ऑफ पीस लव इन ग्रेट कल्चर एंड आर्टिस्ट वैल्यू. पंजाब हमेशा अमन मोहब्बत और अजीम सकाफत व फ़नून इकदार की सरजमीन रहा है. पंजाबी मेन वियर कुर्ता तहमत एंड टर्बन. पंजाबी मर्द तहमत और पगड़ी और कुर्ता पहनते हैं. शलवार कमीज और कुर्ता आर पंजाबीज वुमेन्स ट्रेडिशनल ड्रेस. शलवार कमीज और कुर्ता पंजाबी औरतों का रवायती लिबास है. अ सेशनल फेस्टिवल नेम्ड जश्न बहारा और द स्प्रिंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन पंजाब इन द मिड ऑफ फेब्रवरी. अ सेशनल फेस्टिवल एक मौसमी त्यौहार. नेम्ड जश्न बहारा जिसका नाम जश्न बहारा है और द स्प्रिंग फेस्टिवल या बहार का त्यौहार इस सेलिब्रेटेड मनाया जाता है इन पंजाब में इन द मिड ऑफ फेब्रवरी के दरमियान में. कि एक मौसमी त्यौहार जिसका नाम जश्न बहारा या मौसम बहार का त्यौहार है पंजाब में फरवरी के महीने के वस्त में मनाया जाता है. द कल्चर ऑफ सिंध एवॉल्व फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन. सिंध की तहजीब सिंध की सकाफत वादिय सिंध की तहजीब से ली गई है. सिंधी कल्चर इज़ डोमिनेटेड बाय ग्रेट सूफीज मिस्टिक्स एंड मार्टर्स. सिंध की सकाफत पर अजीम सूफिया दरवेशों और शहदा का रंग गालिब है यानी इनका रंग नज़र आता है. सूफियाज मिस्टिक्स दरवेश और मार्टर्स यानी कि शहदा. द सिंधी कैप एंड अजरक आर पार्ट ऑफ मेंस ड्रेस. सिंधी टोपी और अजरक मर्दों के लिबास का हिस्सा है. वुमेन वियर कमीज एंड कुर्ता शलवार. औरतें कमीज और कुर्ता शलवार पहनती हैं. वुमेन ऑल्सो यूज अजरक एज अ दुपट्टा और अ शलवार. औरतें अजरक को बतौर दुपट्टा और शलवार भी इस्तेमाल करती हैं. पीपल ऑफ सिंध सेलिब्रेट द सिंध फेस्टिवल जश्ने लाड़काना एंड मेनी अदर फेस्टिवल्स.
सिंध के लोग सिंध फेस्टिवल जश्न लड़काना और बहुत से मुकामी त्यौहार मनाते हैं। मूव ऑन नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 70। द कल्चर ऑफ बलूचिस्तान इज़ फुल ऑफ ट्रेडिशन, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले पंजाब का कल्चर पढ़ा, फिर सिंध का, अब हम बलूचिस्तान का कल्चर पढ़ने जा रहे हैं। द कल्चर ऑफ बलूचिस्तान इज़ फुल ऑफ ट्रेडिशंस, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। कि बलूचिस्तान की सकाफत रवायात, आर्ट्स और दस्तकारियों से भरी हुई है, भरपूर है। बलूचिस्तान इज़ ऑल्सो नोन फॉर इट्स ट्राइब्स एंड फेस्टिवल्स। बलूचिस्तान की सकाफत यानी बलूचिस्तान अपने कबीलों और त्यौहारों की वजह से नाउन मशहूर है। पोइट्री एंड स्टोरी टेलिंग आर वेरी पॉपुलर अमंग द बलूचिस्तान। बलोचों के दरमियान शायरी और दास्तान गोई बहुत मकबूल है। बलोचीज वियर वेरियस स्टाइल्स ऑफ कमीज, चलवार, टर्बान यानी कि कुल्ला एंड हेड स्कार्फ। बलोची मुख्तलिफ अंदाज की कमीज, शलवार, कुल्ला, पगड़ी और सर पर रुमाल बांधते हैं। फाशिक इज़ अ ट्रेडिशनल बलोची ड्रेस। फाशिक जो है एक रवायती बलोचिस्तान का लिबास है। इन बलोचिस्तान दी सिबी फेस्टिवल अट्रैक्ट्स पीपल फ्रॉम ऑल अक्रॉस दी कंट्री। बलोचिस्तान में सिबी मेला पूरे मुल्क से लोगों को खींचता है। हॉस्पिटैलिटी, हार्डवर्क एंड ब्रेवरी आर डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ पख्तून कल्चर। अब हम पख्तून कल्चर जो है वो पढ़ रहे हैं। जी, हॉस्पिटैलिटी यानी कि मेहमान नवाजी, हार्डवर्किंग मेहनत, ब्रेवरी बहादुरी, डिस्टिंक्टिव खास फीचर्स खसूसियात। मतलब ये कि मेहमान नवाजी, मेहनत और दलेरी पठान सकाफत की ख़ास खूबियां हैं। पख्तूंस फॉलो पख्तून वाली, दैट इज़ अ ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल। पठान पख्तून वाली की पैरवी करते हैं जो एक सकाफती अंदाज है। पख्तून कल्चर इज़ फेमस फॉर इट्स ट्राइबल सोशल लाइफस्टाइल। पख्तून सकाफत अपने समाजी कबायली तर्ज ज़िंदगी के लिए मशहूर है। पख्तून मैन यूजली वियर शलवार कमीज, वेस्टकोट एंड शलवार विद अ टर्बान और अपाकोल हैट। पख्तून मर्द आम तौर पर शलवार कमीज, वेस्टकोट और चादर के साथ पगड़ी या पकोल हैट यानी पकोल की टोपी जो है वो पहनते हैं। वुमेन वियर एम्ब्रॉयडर्ड फ्रॉक्स विद पजामाज एंड दुपट्टा। औरतें देखते हैं क्या पहनती हैं, ख़वातीन कशीदा फ्राक के साथ पजामा और दुपट्टा पहनती हैं। द पोलो फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन शंदूर, खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा में हर साल शंदूर में पोलो फेस्टिवल मनाया जाता है। पोलो एक खेल का नाम है। कश्मीरी कल्चर इज़ रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट ट्रेडिशंस रिलेटेड टू फूड, क्लॉथिंग एंड फेस्टिवल्स। कश्मीरी सकाफत खुराक, कपड़े और त्यौहारों से मुतल्लिक मुख्तलिफ रवायात से नज़र आती है। फेरन इज़ अ प्रोमिनेंट ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ कश्मीरी मैन एंड वुमेन। जी, फेरन कश्मीरी मर्द और ख़वातीन का एक ख़ास रवायती लिबास है। वुमेन वियर ट्रेडिशनल हैंड एम्ब्रॉयडर्ड क्लॉथेस। ख़वातीन हाथ से बनाए गए रवायती कपड़े पहनती हैं। पिचनासी इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन कश्मीर। कश्मीर में हर साल पिचनासी का जश्न मनाया जाता है। शिना एंड बाल्टी कल्चर्स एग्जिस्ट इन गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान में शिना और बाल्टी का कल्चर मौजूद है। द पीपल ऑफ बल्तिस्तान आर वेरी चेयरफुल एंड हॉस्पिटेबल। बलूचिस्तान के लोग बहुत ही
خوش مزاج، خوش باش اور مہمان نواز ہوتے ہیں۔ مین یوزلی ویئر آ وولن کیپ، آدمی عام طور پر وولن کیپ پہنتے ہیں، یعنی کہ اون کی ٹوپی، شلوار قمیص اینڈ وولن روب ود لانگ اینڈ شارٹ سلیوس، شلوار قمیص لمبا چگا اور جس کے بازو مختصر ہوتے ہیں پہنتے ہیں۔ وومین ویئر ٹریڈیشنل لراغی کیپس اینڈ کلرفل فراکس، خواتین روایتی لراغی ٹوپیاں اور رنگین فراک پہنتی ہیں۔ دی ہارویسٹ فیسٹیول از سیلیبریٹڈ ایوری ایئر ان گلگت بلتستان، گلگت بلتستان میں ہر سال فصل کی کٹائی کا میلہ یا تہوار منایا جاتا ہے۔ اسلامک ویلیوز اینڈ ٹیچنگز آر کامن فیکٹر شیئرڈ بائی آل کلچرز آف پاکستان۔ جی، اسلامی اقتدار اور تعلیمات عام عوامل ہیں جنہیں پاکستان کی تمام ثقافتیں شیئر کرتی ہیں، یعنی کہ ہر ثقافت میں یہ اسلامی اقتدار اور تعلیمات جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں۔ اے نمبر آف ریلیجیس اینڈ ریجنل فیسٹیول آر سیلیبریٹڈ ہیئر، یہاں بہت سے مذہبی اور علاقائی تہوار منائے جاتے ہیں۔ عید الفطر اینڈ عید الاضحیٰ آر دی ٹو میجر ریلیجیس فیسٹیول آف پاکستان۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ جو ہیں وہ دو بڑے مذہبی تہوار ہیں پاکستان کے۔ ہاؤ ایور لیٹس ناٹ فار گیٹ دا مائنورٹیز اینڈ ادر کمیونٹیز دیٹ سیلیبریٹ دیئر جوائے فل ایونٹس ان دیئر کنٹری۔ تاہم آئیے ان اقلیتوں اور باقی برادریوں کو نہ بھلائیں جو ملک میں خوشی کے تہوار مناتے ہیں، یعنی دوسرے مذاہب کے لوگ جو ہمارے ملک میں رہتے ہیں، ان کی بات کی جا رہی ہے کہ ہم ان کو بھی نہیں بھلا سکتے۔ دی کرسچن کمیونٹی سیلیبریٹ کرسمس، عیسائی جو ہیں وہ کرسمس کا دن مناتے ہیں، عیسائی برادر جو ہیں وہ پاکستان میں کرسمس مناتے ہیں۔ ایسٹر اینڈ ادر ریلیجیس فیسٹیولس ان پاکستان، ایسٹر اور دوسرے مذہبی تہوار بھی پاکستان میں منائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کرسچن جو ہیں وہ کرسمس، ایسٹر اور جو دوسرے ریلیجن کے لوگ ہیں وہ بھی تہوار مناتے ہیں۔ دی ادر مائنورٹیز لائک ہندو، سکھس اینڈ پارسیز آلسو سیلیبریٹ دیئر ریلیجیس ڈے وتھ ایکول انتھیوسیزم۔ باقی اقلیتیں یعنی کہ باقی مذاہب کے لوگ جیسا کہ ہندو، سکھ اور پارسی بھی اپنے مذہبی دن جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ انتھیوسیزم یعنی کہ جوش و خروش۔ دی کلر آف پاکستان آر آف گریٹ اٹریکشن فار دی ٹورسٹ فرام آل اراؤنڈ دی ورلڈ۔ پاکستان کے رنگ پوری دنیا کے سیاحوں کے لیے بڑی کشش کا باعث ہیں۔ یہاں پہ پاکستان کے رنگ سے مراد پاکستان کی مختلف علاقوں کی مختلف ثقافتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ ناؤ پوسٹ ریڈنگ رائٹ اے فیو سینٹینسز اباؤٹ دی ریلیجیس فیسٹیولز آف پاکستان۔ پاکستان کے مذہبی تہواروں کے بارے میں چند جملے جو ہیں وہ لکھیں۔ آنسر از، عید الفطر از سیلیبریٹڈ آن فسٹ شوال، عید الاضحیٰ از سیلیبریٹڈ آن ٹینتھ آف ذی الحج۔ تو یہ ہمارے مذہبی تہوار کے بارے میں دو سینٹنسز ہو گئے، کافی ہیں۔ دو نمبر کا کوشچن ہوتا ہے۔ نیکسٹ کوشچن از، وچ پروونس آف پاکستان ڈو یو لیو ان، کہ آپ پاکستان کی کس صوبے میں رہتے ہیں۔ رائٹ اے فیو لائنز اباؤٹ اٹس کلچرل فیسٹیولز۔ آئی لیو ان پنجاب، ہیئر میلا چراغاں اینڈ ہارس اینڈ کیٹل شو از سیلیبریٹڈ، کہ میں پنجاب میں رہتی ہوں اور یہاں پہ میلا چراغاں اور ہارس اینڈ کیٹل شو منایا جاتا ہے۔ سو اسٹوڈنٹس، دس واز دا ٹرانسلیشن لیسن آف یونٹ 7 کلرز آف پاکستان۔ ہوپ یو ہیو لائک اٹ۔ لائک مائی ویڈیو اینڈ سبسکرائب مائی چینل فار واچنگ مور ویڈیوز بیسڈ آن سنگل نیشنل کریکلم۔ اللہ حافظ۔